नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। साकलघाट में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण में पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। भागवत महापुराण में पहुंचे एवं अपने अमृतमयी मुखारविंद से श्रोताओं को महापुराण का मतलब समझाया। ये है नर्मदा की कला, इनके साथ जो धोखाधड़ी करता है, रेत का खनन किया तुमने, हमारे यहाँ माना जाता है कि नर्मदा के कंकर सब शंकर, रेत के साथ न जाने कितने कंकर तुम ले गए। और नदी जो है कहते हैं नदी वेगे से शुद्ध होती, नदी वेग से शुद्ध होती है। तो आपने गड्ढे गड्ढे कर दिए, पानी वहां भर गया, अब ये कहाँ से आए। और रेत से भी पानी निकलता है तो पानी छन जाता है, वो छनने वाली रेत भी आपने निकाल दी। और जो नदी की सहायक नदियाँ, नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, उनमें भी मजबूत डालना बंद नहीं किया। तो इस तरह से नर्मदा के जल को प्रदूषित करने का भी पाप लगा। तो इसलिए भाई, आपसे बचो, धर्म का आचरण करो। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के गुरु शंकराचार्य को दंड देते हुए दिखलाए जाए। उसके लिए गोविंदनाथ वन में उनका मंदिर बन रहा है। तो उस बालक ने जिसका नाम शंकर था, जाकर उस गुफा के सामने तीन परिक्रमा करके उनकी स्तुति की। वहाँ से आवाज आई, कौन है? उनका स्वरूप बताया। उन्होंने उसको दर्शन दिया और फिर शंकराचार्य जी को वहीं दंड संन्यास की दीक्षा मिली। 3 वर्ष यहाँ रहे और यहीं से योग की सिद्धियाँ प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके काशी गए। भारत में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को, पाखंडियों को हटाकर भारत धर्म में सनत धर्म की स्थापना की। जो आज तक ये भूमि वो है साकल घाट। जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज के लिए कपिल नायक की रिपोर्ट।